आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश सामने आ ही गई। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ना तो विधानसभा अटेंड करते हैं और ना ही लोकसभा का सेशन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनने दो, इसके बाद मैं हमेशा सेशन अटेंड करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम में पत्रकारों से संबोधित हो रहे थे। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और मंजीठिया को मुख्यमंत्री बनने के बाद जेल की हवा खिलाएंगे। कैप्टन ने यह भी कहा कि उन्हें भी यह एफिडेविट भर कर देना पड़ेगा कि जीतने के बाद यदि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वे बगावत नहीं करेंगे। कांग्रेस से निष्कासित जगमीत बराड़ द्वारा 15 अगस्त को सबूतों सहित कैप्टन के खिलाफ विदेशों में 861 करोड़ रुपए का खुलासा करने की बात पर उन्होंने कहा कि जगमीत बराड़ को अरुण जेटली मेरे खिलाफ सबूत देगा जो वह इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि वह सबूत सामने लाएं और मैं न्यायपालिका के पास जाऊं। केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि वो पहले अपना दिल्ली तो संभाल ले, उसके बाद पंजाब की तरफ देखें। कैप्टन ने कहा कि तीनों लोग जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल भाजपा को छोड़ा है उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की ही है। नवजोत सिंह सिद्धू, इंद्रवीर बुलारिया और परगट सिंह तीनों की पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, इसीलिए मैंने उन्हें ये कहा था कि यदि वे आना चाहें तो हमारी पार्टी कांग्रेस में आ सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी है, जिस पार्टी में जाना चाहें वो जा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ धोखा किया है, पहले उनसे इस्तीफा दिलवा दिया और फिर अपनी बात से मुकर गया कि वह नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगा। इसका कारण ये है कि केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जो मैं वाहिगुरु करे अगर मुख्यमंत्री बन जाना तो मैं रोज आऊंगा, कोई परवाह ना करे, और उन्होंने कले कले केस नु खोलांगे सी, ओदा भी और दूजे दा भी, मजीठे दे भी, जेड़े भी इत्थे बदमाशी कर रहे ने, सारिया नु असीं परखांगे उत्थे चंगी तरह। पहले उन्हों कहो कि बिल्कुल ठीक है जो ये गल कर रहे हैं कि जेड़ी ये बंदे इत्थे कर रहे ने उन्हों नु सज़ा पूरी होनी चाहिए है, कानून के सामने लियाना पौ, दैट इज़ वन। बट वाई डजंट ही लुक एट डेली हिमसेल्फ, अज दिल्ली च नशे बढ़ रहे ने, घट नहीं रहे, हाउ अबाउट कंट्रोलिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, असी पंजाब नू सांभ लांगे, डोंट वरी, तू अपना अपना सांभ उत्थे। मैंने गल कही है कि तीनों बंदे जड़े ने, जो तिने बंदे ने, वो तीनों बंदे आके कांग्रेस फैमिलीज तो बिलोंग करते हैं, आना है उन्होंने, दे आर मोस्ट वेलकम। नहीं आना जिधर मर्जी जाए, अपना अपना अपनी सोच है, वी हैव नथिंग टू से, बट हिज फैमिली हैज बीन एन ओल्ड कांग्रेस फैमिली, बुलारिया फैमिली इज एन ओल्ड कांग्रेस फैमिली, अपना जेडे हॉकी वाले ने परगट ओना वो भी ओल्ड फैमिली है, वो सरदार दरबारा सिंह की फैमिली नू बिलोंग करते हैं, सो दे आर ओल्ड कांग्रेस ओल्ड फैमिली। वो आप बनना चाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का, सिद्धू को तो ऐसे बेचारे को पहले रिजाइन करवा दिया, ये कह कर अब मालूम है ना क्या कहा उसने, उसने कहा कि आप जिस दिन रिज़ाइन करोगे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर देना है। वो सुबह के टाइम इसने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा, किसी ने पढ़ा दिया होगा उसको कुछ, और सिद्धू ने जाकर रिज़ाइन कर दिया। एंड ही इज़ अब किया क्यों, क्योंकि वो आप बनना चाह रहे हैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर, मिस्टर केजरीवाल। एफिडेविट साडे एप्लीकेशन का हिस्सा है, सो आई विल ऑल्सो अप्लाई फॉर द टिकट, एवरीबॉडी विल अप्लाई, फाइनल जाके वहाँ होगा और उसमें वो एफिडेविट जब हम साइन एप्लीकेशन साइन करेंगे एफिडेविट भी साथ के साथ। कैमरा पर्सन जसबीर के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।